Hey, welcome to all of you, my channel GK Classes with AK. This is video for the Railway, SSC and UPSC. Please like, share and subscribe my channel GK Classes with AK. Please like, share and subscribe. First question is, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल खोजा गया था? Which Harappan site has been searched for the first time? First है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल, चौथा है सुप्तांगेडोर। तो इसमें है सबसे पहला कौन सा था? वो हड़प्पा था। Explanation है इसका, सबसे पहला कौन सा था? हड़प्पन था। हड़प्पन था सबसे पहले। सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था। किसने खोजा था? सबसे पहले वर्ष 1921 दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिम पंजाब के हड़प्पा नामक स्थान पे हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा। अगर आप हमारे चैनल को मैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दी गई घंटी को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपके हमेशा आपके मेल पे नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। प्लीज़ लाइक यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ सेकंड क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अनार्की सिविलाइजेशन एज अनार्य सिविलाइजेशन एज इट वॉज। सॉरी फॉर द मिस्टेक। यह एक पहला ऑप्शन है, यह एक नागरिक सभ्यता थी, इसकी लिपि चित्रात्मक थी, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, क्या इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो सबसे पहले हमें क्या कहना है कि इसमें पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि क्योंकि अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है। यह पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा और बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। अतः स्पष्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का शहरी सभ्यता होना यह सभ्यता का अनार्य सभ्यता होने के सर्वाधिक सही प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, प्लीज़ अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दी गई बेल आइकन है उस पर आप क्लिक करें। थैंक यू। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं का एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? मतलब उनकी जो मुद्राएं थी, मतलब उनकी जो करेंसी थी और उनकी एवं उनकी पक्की मिट्टी की कलाकृति थी, जैसे घोड़ा गाड़ी बनाते थे और जो बचपन में मिट्टी पक्की मिट्टी की जो भी बनाते थे, तो उसमें किसी पशु का चित्रण नहीं किया गया था, किस पशु का फिगर आउट नहीं किया गया था। तो वो पशु था गाय, वो एनिमल था गाय, गाय मतलब काऊ, और बाकी हाथी थे, गैंडा था और बाघ था, लेकिन गाय नहीं था। ठीक है भाई, गाय नहीं था। हड़प्पा संस्कृति की एक मुहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित है जिससे दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ और बाईं ओर गैंडा तथा भैंसा, एक सिंहासन के नीचे दो हिरण खड़े हैं। इस संस्कृति में गाय तथा घोड़े की मृद मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां नहीं मिलती हैं, मतलब गाय और घोड़े की नहीं थी इस संस्कृति में, बाकी बाघ होता था, हाथी होता था और गेंडा का मिला है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। किससे संबंधित है? कांस्य युग से, नौपाषाण युग से,
पुरापाषाण युग से या लौह युग से? तो इसका आंसर होगा कांस्य युग से है ना, कांस्य युग से है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युद्ध में टिन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी, इसी के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। वस्तुतः यह ताम्रपाषाण कालीन यानी कैथोलिक नागरिक सभ्यता थी। यह ताम्रपाषाण कालीन अथवा कैथोलिक नागरिक सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा क्वाइंस में किस देवता की चित्र आकृति चित्रित थी? जैसे कि अभी जो है क्वाइंस में पीछे अपने इंडिया में जो है क्वाइंस में जो है 1 रुपए के सिक्के में देखिए तो उसमें चारों तरफ क्या क्या रहता है? अशोक स्तंभ का रहता है। और ऐसे 2 रुपए में देखिए उसमें भी अशोक स्तंभ रहता है। और किसी किसी में चित्रण किया गया जैसे 350 रुपये का जो गुरु गोविंद सिंह जयंती पे एक सिक्का निकाला गया था गवर्नमेंट द्वारा, तो ऐसे ही उनके भी कॉइन पे किस देवता का चित्र था? तो था मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर। किसका था? पशुपतिनाथ यानी शिव जी। जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील की 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान करके मुद्रा में बैठे हुए, उसके सिर पर 3 सिंह और उसके बाईं ओर 1 गैंडा और 1 भैंसा तथा दाईं ओर 1 हाथी एवं बाघ है, मतलब बाघ है। पशुपति शिव का रूप माना जाता गया है। मार्शल ने इन्हें आद्य शिव बताया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी की लिपि कौन सी थी? लिपि मतलब लिखावट ब्राह्मी थी, द्रविड़ियन थी, हड़प्पा थी कि अभी तक खोजा नहीं गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रात्मक लिपि थी, प्रचलित थी। इस लिपि में 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इसी कारण सिंधु सभ्यता के औद्योगिक सभ्यता के वर्ग में रखा जाता है जिसे सभी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, यानी ऑप्शन डी, अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है, किससे संबंधित है? कांस्य युग से, पाषाण युग से, नवपाषाण युग से, लौहपाषाण। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से है संबंधित तांबे तटाटन की। ये तो क्वेश्चन आ चुका है भाई, फिर से रिपीट हो गया है। चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, तीसरा ए कनिंघम, चौथा दयाराम साहनी। तो और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी ए कनिंघम। एलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 ईस्वी में तथा 1873 में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पुरानी वस्तुएं प्राप्त की थी। ये देखिए कोलकाता टीसी, अभी टीसी आरआरबी और टीसी का एग्ज़ाम आया है ना, आरआरबी टीसी वगैरह। तो आप अगर फॉर्म भरे हैं तो इसके लिए देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बार देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो, रोपण, हड़प्पा, कालीबंगन। तो कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में मिलता है। आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, उसमें विशाल कोठार या अन्नागार और नहाने का भी वहाँ पे मिलता था। आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो मूवी, मैंने तो देखी थी भाई, उसमें दिया गया था। और वो सभ्यता कैसे विलुप्त हो गई उसका तो उसमें दिखाया है कि बाढ़ आ गई थी, बट उसका अभी फैक्चुअल वो डेटा नहीं मिला है। फिलहाल आओ चलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एसी में देखिए आया है, टीसी में आया है इसका एग्ज़ाम, टीसी में सीसी एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का भी आया था कोलकाता 2005 में। तो बृहद स्नानगार है, इसके पश्चिम में 1.5 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला है जो पूर्व से पश्चिम
45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 22 मीटर चौड़ा इसे मटेरियल ने अन्नागार बताया है। इसमें ईंटों के बने हुए विभिन्न प्रकार के 77 प्रकोष्ठ मिले हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग विष्णु की पूजा करते थे, इंद्र और वरुण की पूजा करते थे कि ब्रह्मा की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे? भाई इसमें चेंज हो जा रहा है पता नहीं कैसे। गुरु ये हो गया डी, पशुपतिनाथ जी की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो पशुपतिनाथ की मूर्ति बनी जिस पर शिव की आकृति जैसा चित्र मिलता है। इसे इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकलता है कि तत्कालीन समाज में पशुपति की पूजा होती थी। आप समझ सकते हैं पशुपतिनाथ की पूजा होती थी। और निम्नलिखित में से किसके मृतकों का टीला कहा नाम से जाना जाता? मोस्ट इम्पोर्टेंट RRECRC हड़प्पा, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, बनवाली। तो किसे कहते थे? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला। सर्प यानी अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पंजाब, गुजरात, सिंध, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ है? पंजाब में। कहाँ स्थिति है? सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह सिंध प्रदेश पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी, बट 1921 में किसने ने की थी उसकी हड़प्पा की खोज? दयाराम साहनी ने। और 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? सर विंसेंट इसमें, सर एलेक्जेंडर कनिंगम, डीडी गोस्वामी, सर मार्टिन व्हीलर। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, एलेक्जेंडर कनिंगम। सर एलेक्जेंडर कनिंगम भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। इन्होंने भारत के प्राचीन स्थलों, स्तूपों, भवनों तथा का निरीक्षण किया एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। प्लीज़ अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं आपको और आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल करते हैं, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में, और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का बेनिफिट उठाएँ और अपने आने वाले एग्ज़ाम में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर कौन सा है? डिफरेंस पूछा है क्या? नोट, इसमें प्रमुख अंतर क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट, पहली नागरी थी, दूसरी ग्रामीण, पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को, पहली अहिंसा में विश्वास रखती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था, पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद की। तो क्वेश्चन क्या है? ASM में पूछा गया मुजफ्फरपुर 2003 में। तो आप इसमें आप लगा सकते हैं कि पहली नागरिक थी और जबकि दूसरी ग्रामीण थी, पहली नागरिक थी दूसरी ग्रामीण थी सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता नागरी सभ्यता थी जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। आर्यंस ग्रामीण सभ्यता में रहते थे और सिंधु जो है नगरी सभ्यता की थी। और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे, एंड लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है? ओके, चलते हैं। जय हिंद।